अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब। हमारा आज का टॉपिक माशरे के हवाले से ही है कि माशरे के अंदर जो तब्दीली है वो कैसे लाई जा सकती है। माशरे के अंदर जो तब्दीली है हमारे आज के टॉपिक की रूह से वो है रिसालते माब और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन की जिंदगी। माशरे का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर रखा, सहाबा इकराम के साथ एक माशरे की बुनियाद रखी। उस माशरे के अंदर जिंदगी गुजारने के तरीके बताए, जिंदगी कैसे गुजारनी है, माशरे के अंदर रहना कैसे है, एक इंसान के बारे में यह बतला दिया कि इंसान से दूसरे इंसान को जानी माली नुकसान नहीं होना चाहिए। माशरे के अंदर यह भी बता दिया कि आपस के अंदर अखुवत का रिश्ता होना चाहिए। तमाम मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये वो माशरा है जिसकी बुनियाद मक्के के अंदर रखी गई, जिसकी बुनियाद मदीने के अंदर रखी गई। ये वो माशरा है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे को कैसे चलाना है, मक्के के अंदर मदीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माशरा कायम कर दिया कि अगर एक सहाबी भूखे हैं तो उनको दूसरा सहाबी अपने घर लेके जा रहा है उनको खाना खिलाने के लिए। ऐसे ऐसे मामलात के माशरे के अंदर यतीम बच्चे हैं तो अल्लाह के नबी उनके सर पे हाथ रख रहे हैं, अपने सहाबा की तरबियत ये कर रहे हैं कि आपने किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों को उस तरह प्यार नहीं करना कि उस यतीम बच्चे के जेहन में यह बात आए कि आज मेरा बाप होता तो वो मुझसे भी मोहब्बत करता। ये वो माशरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक शख्स अगर कर्जदार है तो अल्लाह के नबी के सहाबा उसकी वो परेशानी हल करने में लगे हुए हैं। किसी के घर खाने को नहीं है, अल्लाह के नबी के सहाबा उनके घरों में राशन दे रहे हैं। किसी के अंदर कोई लड़ाई झगड़े के मामला बन गए, सहाबा इकराम उनमें बैठ के सुलह सफाई करवा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माशरा था उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई मजाक से भी अपना जो औजार है, अपना जो हथियार है वो किसी मुसलमान की तरफ ना करे। ऐसा माशरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशरा है। तो हम बहसियत उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज बनता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके उन पर चलने की कोशिश करें। माशरा तभी बनेगा जब तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, जिंदगियां सहाबा इकराम की होंगी, तो फिर ये माशरा मार्ज वजूद में आएगा और इस माशरे के ऊपर अल्लाह ताला की जितनी रहमतें नाजिल होंगी ये इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हमें उसी माशरे को बनाने की जरूरत है अल्लाह के नबी ने जो माशरा बनाया है, जो एक दूसरे से एहसास का माशरा है, जो लोगों की मदद करने का माशरा है, जो लोगों के कर्जे खत्म करने का माशरा है, जो लोगों के घर में राशन देने का माशरा है, जो लोगों की मुश्किलात के अंदर परेशानियों के अंदर उनको हल करने का माशरा है। वो माशरा जिसके अंदर लोगों अगर भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने का मामला है, जितने भी मामलात हैं ये माशरे के लिए अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चल के हम उस माशरे की तकमील कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्त जो बातें आज आपसे मैंने डिस्कस की हैं, ये अपनी वीडियोस में करता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे मामला था करने के लिए, आप अल्लाह की रजा के लिए इन मामलात पर अमल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह माशरे की जो तामीर है वो शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर अपनी रहमतों का नूर फरमाए, जहां जहां मुसलमान परेशान है उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। ये सारे मामलात अल्लाह ताला के हैं, तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।